चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे भूगोल से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। इसमें हम लोग अभी 300 क्वेश्चंस अभी तक देख चुके हैं, 301 से हमें बात करनी थी। 301 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन है आपका दूसरा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? एशिया, एशिया को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है आपका चार, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपकी अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी आपकी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन है पांच, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो ये आपका एशिया। क्वेश्चन है छठवा, उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो भाई ये है आपका अफ्रीका। क्वेश्चन है हमारा सातवा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? यह आपका पोत्रा जाया। अगला क्वेश्चन है हमारा आठ, डियागो ग्रासिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर। क्वेश्चन है हमारा नौ, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बोइनिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन है दस, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में। क्वेश्चन है आपका तीसरा, सॉरी 11, 311, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो यह हवाई द्वीप का। क्वेश्चन है 11, 13, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा, जावा द्वीप पर। क्वेश्चन है आपका 14, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होंसू द्वीप, होंसू द्वीप। क्वेश्चन है आपका 15, चाप झील तथा बिसर्फ नदी घाटी किस भाग के लक्षण हैं? तो यह है आपकी मध्य मार्ग के। क्वेश्चन है आपका 16, नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? लेवीज। क्वेश्चन है 17, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है, नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध।
क्वेश्चन है आपका 18। लोएस का निर्माण होता है पवन से, लोएस का निर्माण पवन से होता है। क्वेश्चन है आपका 19, गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? तो ये आपकी मरुस्थलों में मिलती है। क्वेश्चन है 20, कोपाकुआना पुलिन कहाँ अवस्थित है? कोपा कुआना पुलिन आपका है रियो डी जेनेरो में। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 21, निम्नलिखित में से कौन सा गिरजे भारत के बिहार प्रांत में है? सीताकुंड। क्वेश्चन है 22, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कार्स्ट। क्वेश्चन है आपका 23, 23, अंधी घाटियाँ कहाँ मिलती हैं? ये आपका चुनाव प्रदेश में। क्वेश्चन है 24, युवाल कहाँ मिलती हैं? चूना पत्थर प्रदेश में। क्वेश्चन है 25, फ्योर्ड किस विक्रम में निर्मित होता है? फ्योर्ड किस विक्रम से निर्मित होता है? समुद्री तरंग से। क्वेश्चन है 26, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। क्वेश्चन है 27, सार्गेसो क्या है? सार्गेसो आपकी समुद्री घास है, सार्गेसो समुद्री घास है। क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा आपकी एक गर्म सागरीय धारा है। क्वेश्चन है 29, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो ये आपका आता है फंडी की खाड़ी में। क्वेश्चन है आपका 30, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है आपका नील नदी पर। क्वेश्चन है आपका 31, क्या है? आको संबो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये आपके बोल्टा बोल्टा नदी पर। क्वेश्चन है हमारा 32, केंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो यह आपका नाइजर नदी पर, इस पर नाइजर नदी पर। क्वेश्चन है आपका 33, क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? तो यह आपका क्लाइमो ग्राफ पर। क्वेश्चन है आपका अगला 34, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या है? तो ये आपका नेप्थो स्कोप। क्वेश्चन है हमारा 35, विश्व की वनों क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन है हमारा 36, बेल्ट किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? तो जो बेल्ट आपकी घास है ये आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास की भूमि है। क्वेश्चन है 37, क्या है?
निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई और फफूंदी पाई जाती है? तो ये आपका टुंडा प्रदेश में। क्वेश्चन है हमारा 38। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक खेती की जाती है? तो ये आपकी कपास। क्वेश्चन है 39। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो ये आपका कोलोन। क्वेश्चन है 40। सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? यह आपका पोर्ट सईद। क्वेश्चन है हमारा क्या है 41। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो यूक्रेन की नहीं मिलती है, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, रूस की मिलती है, लेकिन यूक्रेन की नहीं मिलती है। 41 में आपका सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 42। पिति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? पिति चक्रवात में आपका केंद्र में वायुदाब सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन है हमारा 43। पिति चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक उत्पन्न होते हैं? पिति चक्रवात आपके सबसे ज़्यादा उत्पन्न होते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 44। व्यापारिक पवने कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवने आपकी उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। क्वेश्चन है हमारा 45। क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? तो ये आपके कीपाकार आकृति के होते हैं। क्वेश्चन है 46। मैसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्पेन तथा पुर्तगाल में। क्वेश्चन है आपका 47। हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत। क्वेश्चन है 48। टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? तो चीन सागर। क्वेश्चन है आपका 49। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह आपकी कैस्पियन सागर। क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसमें होगा आपका कैस्पियन सागर। क्वेश्चन है 51। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। आपसे एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है बताना है आपको। क्वेश्चन है हमारा 52। समुदाय मैदानों का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है? तो ये आपका जीर्ण अवस्था में। क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? तो यह आपका भूमध्य सागर में।
क्वेश्चन है हमारा 54। जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो ये आपका इंडोनेशिया। क्वेश्चन है आपका 55। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो आपको बता देना है न्यू मूर द्वीप। क्वेश्चन है हमारा 56। चंदकार बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वरखान। क्वेश्चन है 57। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत स्थित है? सहारा। क्वेश्चन है हमारा 58। विश्व की सबसे गहरी खान मारियाना या मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये है आपकी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन है 59। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो यह है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन है हमारा 60। सार्गेसो सागर अवस्थित है? सार्गेसो सागर अवस्थित है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन है आपका 61। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की सर्वाधिक निकट है? तो इसमें आपका बेरिंग जो जलडमरू है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। क्वेश्चन है 62। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भीति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? तो ये आपकी ऑस्ट्रेलिया के। क्वेश्चन है हमारा 63। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपकी नाइजर। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है हमारा 64। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। क्वेश्चन है 65। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है बोलगा। क्वेश्चन है आपका 66। किस अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की अपवाय क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? अमेजन नदी। क्वेश्चन है आपका 67। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो अमेजन नदी। क्वेश्चन है हमारा 68। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। याद रखिए, अगर आप लोगों ने मैप्स का हमारा पार्ट नहीं देखा है, जो हम लोगों ने मैप्स की बात की है, पूरा आपका मानचित्र जो भी पार्ट है भूगोल में वर्ल्ड का विश्व का, वो सभी ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो मैप्स के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसमें आपके मैप्स का जो पार्ट है बाकायदा आपके मानचित्र को लेकर समझाया गया है बड़े सरल शब्दों में, तो उसे देख लें। ठीक है, और उसे देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी जगह मैप्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, पूरी एक बुक्स को सॉल्व किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 69। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये आपकी राइन नदी।
क्वेश्चन है हमारा 70। निम्न में से कौन सी नदी भैंस घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी बोलगा। क्वेश्चन है हमारा क्या है 71। प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? ज्वारभाटा। बहत्तर। ज्वारभाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये थे आपके विलियम वेवेल। क्वेश्चन है 73। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफेद नील के संगम पर स्थित है? खार्तूम। क्वेश्चन है हमारा 74। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह आपका गेरून नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गेरून नदी के किनारे फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह स्थित है गेरून नदी के तट पर। ठीक है, क्वेश्चन है 75। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो ये आपकी पेरिस से होकर बहती है। क्वेश्चन है हमारा 76। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका इस्तांबुल। क्वेश्चन है हमारा 77। नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? ज्वारनद मुखी डेल्टा। क्वेश्चन है हमारा 78। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोब्रांट। बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। क्वेश्चन है हमारा 80। निम्नलिखित में से कौन एक भू आविष्टिक देश है? तो बोलीविया। ए ऑप्शन सही। याद रखिए आप लोग एक बार प्लेलिस्ट सूची है जो आपने, उसमें जाकर देख लें, आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। बस इतना है कि थोड़ा जल्दी पढ़ाया गया है, स्पीड में पढ़ाया गया है, तो इसी में आपको एडजस्ट करना है। और फिर आपके यूट्यूब चैनल पर जो भी यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने का भी तो टाइम लिमिट कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो वहाँ घटा के आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन बताया ए टू जेड गया है, बहुत ही साधारण शब्दों में आपके सभी लेक्चर। ठीक है, तो वहाँ जाकर देख लें एक बार क्या बिगड़ता है, देख लें। अगर फ्री में मिल रहा है कुछ तो लेने में क्या जाता है, अच्छा नहीं है छोड़ दीजिए बस। क्वेश्चन हमारा 81। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए आपका ऑप्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है आपका 82। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है हाइग्रोग्राफ। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 83। सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आपकी उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती हैं। क्वेश्चन है हमारा 84। सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया? 12। क्वेश्चन है हमारा 85। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस का प्रदेश कहा जाता है? विषुवतीय प्रदेश को। क्वेश्चन है हमारा 86। कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कांगो घाटी में आपकी विषुवतीय जलवायु पाई जाती है।
क्वेश्चन है 87, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो सालों बाद, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 88, सैलवा वन कहाँ मिलते हैं? सैलवा वन आपके विषुवतीय प्रदेशों में मिलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 89, विषुवतीय प्रदेश को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो इसे छीन कारक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है? भूमध्य सागरीय। क्वेश्चन है हमारा 91, क्या है भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। क्वेश्चन है हमारा 52, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं है आपका, गन्ना भी है, जूट है, कपास है। क्वेश्चन नंबर 92 में आपका बी होगा। क्वेश्चन है आपका 93, मत्स्यन किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ये आपकी प्राथमिक। क्वेश्चन है आपका 94, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यवसाय क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पीसी कल्चर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं वन डे एग्जाम में, तो आपको इन सभी को याद रखना है। क्वेश्चन है 95, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपकी मत्स्य पालन। क्वेश्चन है 96, प्लैंकटन है समुद्री मछलियों का भोजन। क्वेश्चन है 97, हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है अटलांटिक महासागर। याद रखिए अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है हमारा 98, निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज है आपका सोना। क्वेश्चन है हमारा 99, निम्नलिखित में से कौन आण्विक खनिज है? तो है आपका मॉलीब्डेनम। क्वेश्चन है 400, ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण लोह अयस्क उत्खनन केंद्र है पिलबारा, क्या है? पिलबारा है, ठीक है। तो ये थे आप, ये तक आप लोग 400 क्वेश्चन करीब देख चुके हैं, 401 से हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है।